के निवारण राम नाम से कह जाए। ठीक है, अब हम कथा के आगू बढ़ा रहा है। राम कथा अथवा कोनो कथा अथवा राम लीला सब प्रस्तुति सब साधु संत विद्वान पंडित सब अपना अपना हिसाबे कहे छथि सुने छथि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहनो कहबो के न छथि रामचरितमानस सँ किछु कथा अपने सबके परोस रहल छी। हम शुरू करब राजा दशरथ सँ। दशरथ राम दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में भी विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शास्त्र धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी विद्धि भी बुद्धि भी उन्होंने उनके साथ लगी रहती थी। कौशल्यादि
सब झलकिन है, आज तीन रानी झलकिन है, कौशल्या सुमित्रा के कई तीनों रानी तत्व है, पवित्र आचरण के नारी झलकिन है। राजा दशरथ के बड ग्लानी होय छलन, राजा अपना गुरु वशिष्ठ के पास गेलथि, चरण प्रणाम चरण वंदन कऽ कऽ प्रार्थना केलखिन, के सुनल थे गुरु वशिष्ठ जी, उनका बहुत तरह से समझल कि धीरज धरू, अहा के चारटा पुत्र लाभ है। गुरु वशिष्ठ कहलकै कि अहा चिंता व्यर्थ करै छी राजन, अहा के तीनों रानी से चारटा पुत्र प्राप्त है, अहा चिंता नहीं करी। वशिष्ठ जी की कहलखिन, शुरू भेल महायज्ञ संपन्न सेहो भेल, जकर बाद में
अग्नि देव हर्ष ने चरु खीर Thank you.